Blessing of heaven, God. In the name of Lord, hallelujah. आप सबको भी बहुत बहुत खुश आमदीद और हम खुश हैं, तंदुरुस्त हैं और सलामत हैं। तशरीफ रखें। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से मुझे भी आपको भी बड़ी बरकत दे। आए अपने ध्यान, अपना ज्ञान खुदावंद की तरफ मतवज्जा करें। जब हम घर से निकलते हैं हम नहीं जानते क्या हो सकता है। आज कुछ हादसा पेश आया बेटे वकार के साथ। आज सुबह मैंने जब गाड़ी में आ रहे थे तो खबर सुनी कि भाई मनवर बड़े सीरियस है, उनका ब्रेन का हेमरेज हो गया है। तो मुझे बाजी नसीम का केस याद आ गया। वो यही तरीक इसी तकलीफ में और मर्द में और ट्रैक में मुक्ता हुई थी। चर्च में आए, गुब्बारे देखे, ये क्यों होने लगा आज, किसकी सालगिरह है? तो दुबारे आए था, अखबार लग गया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दुख और सुख, खुशी और गमी यक्षा है। दुआ करेंगे बाद में भाई मुनव्वर के लिए भी। मुझे याद है उनके वालिद साहब जब यहां थे, उनकी मौत जब यही हुई है, अक्सर काफी लोग हमारे मसीह भाई यहां से ही मौत में मुब्तला हुए और मौत की सीधा से यहां से निकले। कुछ याद है हमें नाम, भाई याद है आपको? ठेकेदार के नाम से बहुत मशहूर थे, बाजी नसीम, जॉन बरकत, यूनस, शौकत से यहाँ बल्दिया में। जिन लोगों को हमने अपने हाथों से रुखसत किया यहां से, आप जानते नहीं हैं क्या होने वाला है। हमारा खुदा फिर भी रहीम खुदा है। हम इस बच्चे के लिए, इस भाई के लिए, इस बेटे के लिए भी दुआ गो हैं। खुदा उसे सलामती बख्शे, लेकिन अपनी दुआओं में उनको याद रखे। हमारे भाई कुछ, हमारे बेटे यहाँ पर हैं। कितने लोग हैं आप? छह सर। जो यहाँ से, ये मेरा ख्याल उनके साथ हमारा आखिरी जुमा होगा। बाद पाकिस्तान से आए मेहनत मजदूरी करने के लिए अपने घरानों को छोड़ के, लेकिन कंपनी की वजह से या जो भी तरीका कार था, उनको छह महीने के बाद वापस जाना पड़ रहा है। वीजा ही ग्रांट हुआ था छह महीने का। खुदावंद उनको भी सलामती बख्शे और खुदावंद उनका फिर आने का जरूर कोई ना कोई बंदोबस्त करेगा। बहुत सारी तालियां इन भाइयों के लिए भी। खड़े हो जाएंगे जरा। भाई नदीम है, अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम। और बाकी कितने हैं? मेरी जदा चला गया है, उसकी आज तशरीफ रखे। ये दुनिया है, यहां पर आपको बहुत कुछ अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। कल रात भाई माइनमेंट की कॉल आई, मुझे बड़ा घंटा हम मैसेंजर पे इन चीजों पर गौर और फिक्र कर रहे थे, सोच रहे थे। भाई अभी तो यहां 12 ग्रुप हो गए हैं। खुदा के कामों में भी हम बड़े उजर हमने रखे हुए हैं। और ये खुदा का काम क्या वादा है, ये नहीं है। मैंने ख्वाहिश की, मैंने कहा भाई क्या ये क्रिसमस इकट्ठा हो सकता है? कहने लगे भाई बड़ा मुश्किल लग रहा है। एक और कादम को मैंने यही सवाल किया, उसका भी कोई जवाब इतना पॉजिटिव नहीं था। क्योंकि लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस में कि अखीर जमाने में मोहब्बतें क्या होगा? नो लव, गॉड इज लव, खुदा मोहब्बत है। हमारा दर्स, हमारी बुनियाद मोहब्बत है। लेकिन मोहब्बत नहीं,
अक्सर लोग हफ्ते में एक दो दफा या जुमे को जरूर एक दूसरे को कॉल करते थे, पता ही नहीं है बारह ग्रुप है, मुझे नहीं पता हकीकत में मैं आज सुन रहा था तो जुबेल से भाई राज आज सुबह उनकी कॉल आई, वो भी ये कह रहे थे भाई खुदावंद आप सबको सलामत रखे, आप जहां भी हैं आप अपने मुल्क में जाएं, आप यहां पर हैं, खुदावंद आप सबको तंदुरुस्ती और सलामती बख्शे, लेकिन एक बात को याद रखें, गॉड इज लव। आप खुदा को प्यार करते हैं, खुदा को जानना चाहते हैं, आए मेरे साथ निकालें, हम अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे। मत्ती सूल की जीन उसका 19 बाब 23 आयत से शुरू करेंगे। हर इंसान की ये कोशिश है कि मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं, किसे कहो मैं बच जाऊं और मैं खुदावंद की बादशाहत में दाखिल हो सकूं और मैं ना निजात पा सकूं। हाँ जी पढ़ेंगे जरा। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल नामुमकिन है, मुश्किल है। आपको इस अमीर आदमी की कहानी हम पीछे नहीं जाएंगे, जानते हैं हम सही से। उसने क्या सवाल किया था हमसे खुदावंद से, अमीर आदमी ने, थोड़ा पीछे आ जाए, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं। प्रेज गॉड। इसका मतलब है वो अपने आप को काफी नजदीक खुदा के और उसकी बादशाहत के समझ रहा था और मैं बिल्कुल नजदीक, फिर भी उसने सोचा शायद मुझ में कहीं ना कहीं कोई कमी, मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकूं। करें सवाल अपने आप से, क्या इस वक्त आज इस टाइम पर, क्या टाइम हुआ जी, 2:40 40 मिनट पर ये कह सकते हैं आए खुदावन मैं बिल्कुल तैयार हूं कि मैं खुदावन की बादशाही में दाखिल होने के लिए दरवाजे पर खड़ा हूं। हम नहीं कह सकते, मैं कौन से मुर्दे भी बने, भी सितंबर में ये हम मेला हुआ है कहां पर, मरियाबाग, क्या है वहां पर मेला, किस बात का मेला था, जियारत करने जा रहे हैं मुकद्दसा बरियम की, क्या बरियम बाग खड़ी थी ये भाई बताएं, हसन भाई उसका बुत और स्टैचू जिसका खुदा ने बड़ी सख्ती से बना दिया है, आइडल वर्शिपर बुतों की पूजा करने वाले फिर लोग आ गए हैं, आज भी वो ही हो रहा है। मसीह खुदावंद का स्टैचू, शागिर्दों के स्टैचू, मरियम का स्टैचू, और मैंने नेट पर देखा इसी दौरान में काफी मुल्कों में ये सीजन चलता है मुकद्दसा मरियम का, हम फिर वही कर रहे हैं जो खुदा ने मना किया, यही काम कौम बनी इसराइल ने किया। खुदा की कुदरत वो नहीं जानते थे भाई, कैसे निकले थे वो मिस्र से, गुलामी से, कैसे निकले थे, किसकी कुदरत से निकले, क्या उन्होंने खुदा को मिस्र में नहीं देखा था, जब आफतें आई, कितनी आफतें आई, 10 आफतें, 1 by 1 देख रहे थे, फिर भी और जिस रात वो निकले आजादी मिली, फसा की ईद वहां पर पहली फसा हुई, कैसे निकले थे, यीशु का बुत बनाया उन्होंने, खुदा का बुत बना के निकले, पालकी बनाई, कैसे निकले थे भाई मुश्ताक, बड़ा सब किए गए, बड़ा लो बेअब
उसका खून क्या करना अपने ताकि तुम्हें याद हो कि जब हम वहां से निकले हैं तो हम यस्सु अल मसीह के बर्रा के खून की मुशाबत जो दिया गया उन्हें उसके साय में से होके वो निकले। उनके सर पर उनके दोनों साइडों पर क्या लगा हुआ था? खून लगा हुआ था दरवाजों पर और लोग वहां से निकल रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ जानते थे बर्रा जबा करके खून लगाना और गोश्त साथ भून के रखना, पानी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि चंद दिनों तक तुम्हारे लिए यही खुराक है। खुदा है हमारा, इतने बड़े बड़े मौजदे देखते हैं, यहां गवाइयां खड़े होके देते हैं कि फेरो थे। क्यों ऐसे? अभी तो याद रखें कि खुदा यीशु अल मसीह के आने का मकसद था और खुदा की रूपानी की सतह पर जो मुझ पर चली कर रही थी, कई लोड थी बना दी दुनिया, उसे कोई मुश्किल थी भाई? दुनिया बनाई, इंसान को खलक किया, हर चीज बिल्कुल कामल कर दी। कितने दिनों में? छह दिन में। He is God. यह है उसकी कुदरत। उसने लिखा है बारहा, कहा और हो गया। कलाम में जहां जहां आप पढ़ेंगे खुदा मौजूद था। उसने कहा इब्राहिम की छोरी से के खुदा उससे मुखातब होता, खुदा मौजूद है। इब्राहिम को कहा, इब्राहिम से मुखातब हुआ, इब्राहिम ने खुदा की आवाज को सुना। कोई वीडियो नहीं देख रहा था इब्राहिम, ना कोई ऑडियो सुन रहा था, डायरेक्ट आवाज खुदा की आसमान से आ गई थी। मूसा ने खुदा को देखा, जलती झाड़ी में आवाज आई। क्या आई? ऑडियो आई थी, वीडियो लगी थी वहां पर खुदा की बात। आए मूसा जहां तू खड़ा है ये जगह, अपना जूता उतार रहे। आप भी वही रस्म चाहिए चल रही है। निकल गए कौम बनी इसराइल समुन्द्र के किनारे जा पहुंचे बहरे कुलज़म पर। भाई मैनुअल का मुझे बता रहे हैं ये पिछले दिनों में गए हुए थे सरासी ने जहां पर वो पहाड़ जहां खुदा उतरा और खुदा सता बता रहे थे मुझे, तस्वीरें भी उन्होंने भेजी हुई वो जगह जहां पर मेरे कुलज़म के किनारे पर जहां भी ये लोग क्रॉस करके गए थे। कौन था वहां मौजूद? लोग परेशान थे, मरे गए। क्यों परेशान थे भाई? आगे समुंदर है, पीछे कौन है? फिरौन की फौजें। आगे समुंदर है। अरे मूसा ने क्या जिला क्या होना मूसी क्या होता होगा? तू हमें यहां मारने के लिए ले आया? बुड़बुड़ाना शुरू हो गया। 10 हफ्ते देखी अपने मुल्क में, खुदा को देखा। आज किसी का डुब मर रहा है, सानू इसे डुबने आते। देखे खुदा की कुदरत, देखे खुदा के मौजजात, देखे खुदा का जलाल। क्या कहा मूसा ने? इत्मीनान रखा और खामोशी से खुदा का जलाल देखा। अरे मूसा अपना आसा था और इस पर क्या हुआ? ये वही आसा जो मिस्र में भी था, ये वही आसा था जब जलती भाड़ी के झाड़ी के पास था और वो जब उसने फेंका तो क्या बन गया था? ये वही आसा था। और खुदा ने जब मूसा को हुक्म दिया तो क्या हुआ? समुंदर क्या हुआ? दो हिस्से हो गया। आए खुदावंद मैं क्या करूं, आए यीशु मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं? क्या करूं मैं?
ये लोगों को खुदावन ने इस गुलामी से निकालने का मकसद, खुदा की मीराश में दाखिल होंगे हमेशा की जिंदगी के लिए उनको बुलाया था, बात मीराश दूंगा, कनान का मुल्क उनके लिए तैयार किया हुआ था। तुम्हें सोचा आपने इन छोटी छोटी बातें नहीं, ये बहुत अजीम बात है। क्या समुंदर कभी फेर दो से हुआ तो है टेक्नोलॉजी या है कोई तफासी आपके पास खबर कि फला मुल्क में समुंदर दो हिस्से हो गया? यही वो मकाम है बहरी कुलज़म। अभी समुंदर पार किया थोड़ी ही देर हुई, जब मूसा उनसे जुदा हुआ तो उन्होंने क्या कर दिया? बहुत नहीं बोल रहा है, बुत परस्ती शुरू हो गई, वो जो मुसलमान में थी। फिर गलामी वही आदन को आ गई। हम भूल जाते हैं ये खुदा ने फला वक्त में मेरी मदद फरमाई, खुदा ने मुझे हादसे से बचाया, खुदा ने मुझे, मेहमान सख्त बीमार हो गया, मुझे तंदुरुस्ती और सलामती दी। शुरू शुरू में जब हमने यहाँ आए थे कुछ 5-4 साल के बाद में बहुत सीरियस यहाँ हो गया था और डॉक्टरों ने कहा कि बहुत खतरनाक है, आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम शुरू लग रही है भैया, आपके लंग्स में, और लंग में जब प्रॉब्लम होती है तो उसे टीबी भी कहा जाता है, उनका ख्याल था ये। और मुझे उन्होंने कहा कि दवाई बड़ी सख्त होगी, बड़ा हार्ड कोर्स है, इफ यू कैन टेक इट यू विल बी सेफ। मैंने बड़ा फैसला लेने से इनकार नहीं किया। खुदावन जब आपको निकालता है, गुलामी से निकालता है, बदगोइयों से निकालेगा, नफरतों से निकालता है, हसल तकब्बर झूठी गवाहियां सब कुछ हो रहा है। आपको याद है कि गेनू की दीवार कैसे गिरी थी? जी सात चक्कर जी का हुक्म प्रस्तुत अबादत दुआ, हर सुबह निकलते थे नरसिंगे बजाए जा रहे हैं, आपको पता वो द्वार कितनी चौड़ी थी भाई, उसके ऊपर रस चलती थी। आज के दौर में मैंने नहीं सोचा कितनी बड़ी द्वार बनाएगा, कभी कभी हम सोचते हैं सियालपुर का किला, लाहौर का किला कैसे आज तक मौजूद है, कैसे इन लोगों ने बनाए, मशीनरी थी उस वक्त, लेबर थे, सीमेंट की फैक्ट्रियां भी नहीं थी, लेकिन वो किले आज तक भी वो यादगारें मौजूद हैं कि नहीं है? यरो की दीवार ना मुमकिन था कि ये गिर जाए ताकि आप बता। जब वो दरिया यरदन को क्रॉस किया उन्होंने तो खुदा ने उनके हदायत दी, जहां खुदा मौजूद है वहां दरिया भी कुछ हो जाता है, जहां खुदा का कलाम है वहां समुंदर भी दो टुकड़े हो जाता है, जहां खुदा मौजूद है वो आसा जब पहाड़ को छुएगा तो उसमें से पानी निकल आएगा। इट्स गॉड। उसने कहा, उसने कहा हो गया। जा इब्राहिम, सवाल किया इब्राहिम ने, पोतर से सवाल कर रहे हैं, ये मसला वो मसला ये मसला। खुदा अजीम खुदा है। कितनी उम्र थी उम्र मूसा अपना सॉरी अब्राहम की? 175 वर्ष। और बियाबान में जब चला गया, निकल के चला गया तो एक दिन खुदावंद उसको मिलने आया। खुदा मौजूद है इसका मतलब है खुदा हकीकत है। बलूतों के दरख्त के साए में बैठा हुआ था इब्राहिम ने दूर से देख लिया, कौन आ रहा है, कैसे वो जानता था? खुदा उसके अंदर था। तो दूर पुराना काम क्यों बाहर लगे? दो फरिश्ते और क्या खुशखबरी मिली उसे, खुदा ने इस जमीन पर आके खाना खाया, खाया बर्रा जबा किया उसने, खाना बनाया,
और उसे खुशखबरी एक दी गई थी। क्या दी गई थी भाई तुम्हारा? तुम्हारे आइंदा इसी वक्त बहार के मौसम में क्या होगा? तुम्हारे लिए बेटा पैदा। ये सारे वाले लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसी वक्त अगले साल क्या होगा तेरे हाँ बेटा पैदा। वाह, हाउ कम दैट। खुदा ने कहा हुआ ऐन उसी वक्त आइंदा साल की उस वक्त में खुदा ने फिर बेटा पक्ष। हमारा खुदा है, यत्न को क्रॉस कर लिया, अब मिराश में दाखिल होने वाले थे। आगे क्या है? सत्संग है बड़ी तगड़ी, बाबुल की तरह, सुदाम हसैन की तरह, बड़े ताकतवर लोग थे। कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, ना कोई मशीन थी, ना टैंक थे, ना गोले थे, ना मिसाइल थे कि वो जाके उसको मारे और वो दीवार टूट जाए। नथिंग। क्या लेके गए? खुदा का कलाम लेके गए। प्रेज गॉड। क्या लेके गए? अहद का संदूक जिसमें खुदा का कलाम मौजूद था। बहुत सारी तालियां। तलवारें नहीं थी, भाले नहीं थे, बच्चियां नहीं थी, मशीनें नहीं थी जो पत्थर मारेंगे तो दीवार टूट जाए। क्या था? खुदा का कलाम। तेरे लिए हो ये कलाम आपके पास की है। यही था तो किसी सूरत की मूर्त ना बना रहा। ये तो खुदा का कलाम है। छोड़। अजीजो आज को खुदा आज भी मौजूद है और ये कलाम आपके पास ऑडियो भी है और वीडियो भी है। जब आप इसे पढ़ेंगे अपने आप को कलाम की तरफ ध्यान देंगे तो आपको वीडियो नजर आएगी। सचमुच खुदा ऐसे 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 अहद का संदूक नरसिंगे बजाए जा रहे हैं, प्रस्तुत की जा रही है, आबादत की जा रही है और सातवें दिन सातवें चक्कर पार वो क्या हुआ दीवारें गिर गई। प्रेज गॉड। प्रस्तुति में कार्रवाई गड़बड़े। प्रस्तुति में कितनी कुवत है, दुआ में कितनी कुवत है, खुदा के कलाम में कितनी कुवत है। उसने कहा और हो गया। खुदा ने ये शुरू से निजाम रखा हुआ। खुदा जानता था, खुदा ने इंसान को खलक किया। दो दरखत रखे बाग में, कितने दरखत थे? दो। जिंदगी का दरखत मैं हूं, यही लिखा हुआ। अंगूरों का दरखत और वो दरखत सच मुच बागे अदर में था। जिंदगी का दरख्त यही नाम था जिसका। और इससे पहले कि इंसान जब गुनाह में गिर गया, गलती हो गई, तो इससे खुदा ने पहरा लगा दिया कि वो इसे ना छू सके। वक्त आने पर खुदा ने मुहैया किया। जब इंसान खुदा से बड़ी दूर जा चुका था, गुनाह में रुक गया, भूल गया, बुतपरस्ती, नाफरमानी, खुदा ने लिखा हुआ है कि मुकद्दस मरियम के पास बेटा है। क्या खुदा फरिश्ता है? क्या उसने कहा? जी सलाम किया उसने, तेरे यहां एक बेटा पैदा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से ये है निजात। मैं क्या करूं कि मैं निजात पाऊं? मैं क्या करूं आए खुदावन के मैं हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकूं? वही उनको उनके गुनाहों से क्या करेगा? छुड़ाएगा। ये जिंदगी मीरा में मांगना चाह रहा था।
और खुदा ने कहा कि हुक्मों पर अमल कर, बार बार यही लिखा हुआ कलाम मुकद्दस। क्या कहा? लेकिन फिर भी वो कहता है कि ये मुश्किल है, ये बनी ना इंसान के लिए बहुत मुश्किल भी है। लोगों ने सवाल किया, ये तो बहुत मुश्किल है। देखे मत्ती रसूल की इंजील, ऐसे आप आज से आगे जाएंगे, आप किसी में मिले 24 हाँ जी। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए, बहुत ही हैरान हो गए, ये कैसे है, और कहने लगे कि फिर कौन निजात पा सकता है, फिर कौन निजात पा सकता है। सवाल किया गया। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। खुदा से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है अगर खुदा आपके साथ है। अगर आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, आप जानते हैं कि वो कौन है जिसका पैगाम मरियम मुकद्दसा तक पहुंचा, तेरे यहां एक बेटा पैदा होगा, तो उसका नाम क्या करना? यीशु रखना। तो फिर हम ये खुदा इंसान से नहीं होते। अगर आप कहें कि मैं हुक्मों पर अमल करूंगा, मैं दायगी भी दूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी कर रहा हूं, मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, खुदा जी की जोड़ खुदा मैं जान नहीं, मुमकिन है। हम खताकार है, गुनाह है, गुनाह मरूसी, गुनाह में पैदा हुए हैं। जमया मेनू मेरी माई ने बिच गुनाह दे, जमया मेरी माई मेनू बिच गुनाह। हम सब गुनाह के शिकार हो चुके हैं, लेकिन मेरे यहां एक बेटा पैदा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो भी ये क्या करेगा, अपने लोगों को जाना उससे निजात। No one can do that. कोई खुदा नहीं है और कोई मबूद ना और नहीं है, ना सिखों में, ना हिंदुओं में, ना किसी और मजहब में। एक ही खुदा और उसने लिखा कि दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि ईमान लाए उस पर। मूसा ने भी सवाल कर दिया था, मैं जब फिरौन के पास जाऊंगा तो वो कैसे मेरा यकीन करेगा। कहा था और उसको निशान दिया गया था, अपना हाथ अपने बगल में रख कर तोड़ हो गया, फिर बना रहा ठीक हो गया, और वो जो सांप बना हुआ घूम रहा था उसका कहा इसको पकड़ ले तुम से, वो आशा बन गया। कोई बुराई नहीं है। आए खुदावंद तो मुझे तंदुरुस्ती और सलामती दे, ईमान से मांगे, इम्तिहान कर ले खुदा का, वो बुरा नहीं मनाएगा। पूछे खुदावंद से अपने सवाल, अपनी कमजोरियां, अपने आप को खुदावंद के सामने अंधेर दे। आए खुदावंद अगर मेरे साथ ये होगा तो मैं तेरा शुक्र अदा करूंगा, वो ये बुरी बात नहीं है। आप खुदा को मान सकते हैं, लिखा हुआ अजमाए कर देखोगे खुदावंद कैसा है। अभी थोड़ी देर दोपहर बेटे के साथ आशा, कितनी देर लगी भाई वो अंजम हो गया है, अंजम के नजम जो है, कितनी देर लगी उसको आने में? अमूमन फ्राइडे को इतनी जल्दी नहीं आते। जब हमें खबर मिली तो मैं इधर तो दुआ भी कर रहा था उनके लिए, अपनी प्रस्तुति के लिए, अपने घर के लिए, अपने सब के लिए उसको मांगे खुदा से। तो घर बेटे ने ये नहीं सोचा कि मैं इसे जान छुट गई तो घर जाऊंगा, मैं परेशान हो गया कुछ, वो सीधे यहां आए। परस्तश से यरूपी दीवार गिर गई थी, याद रखिए,
भाई आप बहुत सी दीवारें गिरा सकते हैं, बहुत से सख्त दिल नरम कर सकते हैं, बहुत से लोगों को खुदा के नजदीक ला सकते हैं दुआ से, अबादत से और प्रस्तुति से। खुदा किस कैसी प्रस्तुति मांगता है? रू और सच्चाई से। जो यरू के दिन प्रस्तुति हो रही थी सारा दिन, रोज कितने चक्कर? एक चक्कर, लेकिन सातवें दिन सात चक्कर लगा रहे, तंग आ गए होंगे, सोच रहे हो ये क्या है, ऐसा होगा? उन्होंने खुदावन की आवाज को सुना और उस पर अमल किया और लगातार लगे रहे। सातवें दिन सात चक्कर लगा रहे थे लोग, तमाशा उनको देख रहे हैं बाहर, क्या वो दीवारों पर भी चढ़ के देखते हो, ये क्या लोग कर रहे हैं, पागल हो गए, क्या कर रहे हैं यहां पर? क्योंकि उन्हें यकीन था ना तो इनके पास फौज है, ना हथियार है, ना कोई ऐसी बात है, हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। खुदा उनको ललकारा, खुदा को ललकारा उन्होंने। और जब वो सातवें चक्कर पर आए तो क्या हुआ, गड़गड़ाहट शोरों गुल शुरू हो गया, दीवारें गिरना शुरू हो गई। मेरा और आपका खुदा है, उसका हाथ छोटा नहीं कि बजा ना सके, और उस खुदा का कान बहरा नहीं कि वो सुन ना सके। हम बहरे हो जाते हैं, साढ़े कान बंद हो जाते हैं, कम सुनना शुरू हो जाते हैं, हमारे हाथ छोटे हो जाते हैं, किसी की तकलीफ या मुसीबत तक पहुंचने तक ना हाथ छोटे हो गए, मुश्किल बड़ी। खुदावंद आपको आज भी अपने जलाल के लिए, अपनी कुदरत दिखाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, आपको जब भी मौका मिले, जब भी वक्त मिले, खुदावंद के नाम की याद रखे, दिल और जान से स्वीकार, तू अपने खुदावंद खुदा को में लिखा है क्या, अपने पूरे दिल और अपनी पूरी और उसके और अपने पड़ोसी से अपने दो हुक्मों में पूरी शरीयत का निचोड़ निकाल दिया। चार हुक्म खुदा के लिए और छह हुक्म अखलाकियात, इंसान का फर्ज दूसरे इंसान के लिए। वही खुदा आज भी मौजूद है, इसलिए इतने बड़ा अच्छा करने का नाम सुना शफकत से पिछले संडे मंडे मंडे की बारे में भी बहुत अच्छा कलाम किया, होशियार कोशिश बड़े आगे, फिर देख खुदा क्या करता है, कहलियत में, सुस्ती में, कमजोरी में, बीमारी में जकड़े हुए हैं, नफरत में जकड़े हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ बदगोइयां कर रहे हैं, मान तो बाद भी नहीं मुड़ते, बारह छड़ के चौबीस ग्रुप में बन सकते हैं, याद रखेंगे। आए मेरे साथ निकाले, जैसे दाऊद को खुदा ने कहा था, जब उसने अपने कहा था दाऊद मेरे खुदा कहा था, इसकी वजह, किस वजह से कहा था, लिखा है वहां पर कि रूह की हदायत से, कैसे कहा था, रूह की हदायत, उसने ऐसे नहीं कह दिया, मुक्ति में इसका बता, जब तक आपके पास कुवत नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। खुदा प्रस्ताव चाहता है रूह और सच्चाई से, रूह का देता है, निकाले रूमियों का खाता, छह बाप सत्रह अठारह अखीरी दिनों में क्या होगा, कैसे होगा ये सब कुछ, कैसे हम तैयारी करेंगे, खुदा यीशु मसीह की अपनी ताकत से, इलेक्ट्रॉनिक से,
टेक्नोलॉजी कोई आएगी हमारे अंदर सजी बिल्कुल पाक साफ हो जावांगे। अमेरिका कोई दवाई है तो कैप्सूल देगा हमको, हम सब पाक हो जाएंगे। जी कैसे क्या लिखा हुआ है? लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगर चाह तुम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उस तालीम के फरमा बरदार हो गए। जिसके सांचे में तुम डाले गए थे और गुनाह से आजाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। जी किससे आजाद हो गए? गुनाह से आजाद, रास्तबाजी के गुलाम। अभी हम गुनाह के गुलाम, अभी हम दुनिया के गुलाम हैं, दुनियादारी के गुलाम हैं, ख्वाहिशों में जकड़े हुए हैं। अमीर आदमी बिल्कुल बात सही उसने सवाल किया था। एक ही कमजोरी थी उसमें, फटामन यक्षी मसीह ने उस पर जाहिर कर दी। हमारे अंदर खड़े कितनी कमजोरियां हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारी यदि की दीवारें बनी हुई हैं हमारे अंदर जो गिर नहीं रही, गिराना नहीं चाहती था। नफरत बचगोई ने मैंने कहा नफरत इतनी हो गई है कि हम दूसरे ग्रुप को कॉल भी नहीं कर सकते, सुनते ही नहीं किसी की। आज मुझे वो भाई हमें रात बता रहे थे, सब होते रहे पाकिस्तान में चलाए, वो भी नकलें थे शुरू हो गली गली में, चर्च गली गली में पास्टर, कोई किसी को बुलाता नहीं, कोई किसी को पूछता नहीं। और हमारा टॉपिक क्या है? खुदा मोहब्बत है। क्या हो रहा है टॉपिक? ये जब कोई प्रोग्राम अच्छा होता हो जी, आज साडा ये प्रोग्राम फलाने ने बल्ले बल्ले कर दिती है, उन्हें यह कर दिता यार करने। अपनी खिदमत को जांचे, अपने आप को जांचे, मेरी खिदमत से कितने लोग उन्होंने तौबा की है, कितने लोग खुदा यीशु मसीह के करीब आए हैं, कितने लोगों ने बपतिस्मा पाया है, कितने लोग हैं जो खुदा यीशु मसीह में शामिल हो चुके और ये दावा करते हैं कि मैं उस बादशाही का वारिस जरूर बनूंगा, ये मेरा खिलौना बेटा जिससे मैं क्यों खुश थी, क्यों खुदा यीशु मसीह से क्यों खुश था? ये मेरा खिलौना बेटा जिससे मैं खुश हूं, और यही हक उसने आपको भी बख्शा है। वो इंतजार में है, वो जब कहेगा कि ये मेरा खिलौना बेटा पास्टर शहजाद, मैं इससे बड़ा खुश हूं, वकार है मैं इससे बड़ा खुश हूं, डॉक्टर सनी है, क्या हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं कि वो हमें अपने बेटे को नाम लेकर बुलाएगा। आए मेरे बेटे इमरान, मैं बहुत खुश हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या दर्जा दिया उसने, नाम नाम ही रखे। ऐ मेरा पत्रिका है, ऐ फलाना है, ऐ भतीजा है, ऐ सोतरा है, ऐ फलाना है, ये मेरा बेटा। क्या नाम दिया जाएगा? ये मेरे बेटे हैं जिनसे मैं, जिन्होंने मेरे हुक्म पर अमल किया, जिन्होंने मेरी आवाज को सुना, जिन्होंने मेरे लहू के वसीला से तौबा की और उसे कबूल किया और आज निजात पाकर मेरे दरवाजे पर पहुंच चुके। दरवाजा खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तैयार है? पहुंचे दरवाजा खटका तुम्हारे लिए खुला जाएगा। वो आपको मिलना चाहता है, छूना चाहता है, जैसे वो बीमार और 12 साल से लगी रही। कितने साल हो गए सर? तभी बोल गए डॉक्टरों पे, उसने तुम्हें हर जगह नहीं छोड़ी होगी, पैसा रुपया भी उसने बहा दिया होगा, लेकिन आखिर में क्या? अगर मैं यीशु से मिल लूं, अगर मैं इसे छू लूंगी तो मैं, व्हाट अ ग्रेट फेथ शी हैज, इतना मान
इतनी कुवत कहां से आ गई? बच्चे नहीं थे टेबल जाने के। खुदावन यीशु मसीह के बारे में सुन चुकी थी, शायद उसने इससे पहले भी कई जगह ट्राई किया होगा, नहीं पहुंच सकता। लेकिन जब उसे मौका मिला उसने जाने ला दिया। आज मैं शिफा लेके ही जाऊं, भीड़ में से धक्के खाए गेलते हुए पहुंच गई, सामने ना कर सकी फिर भी, लेकिन क्या किया, इतना नजदीक पहुंच गई कि उसने उसका क्या किया, अल्लाह छोड़ दिया। और खुदावन ने समझिए दम मुड़ के उन्होंने देखा कुछ मुझ में से निकला है। खुदावन वो ही कुछ आपको देना चाहता है, खुदा का रूह है जिसके बगैर ना आप शफा पा सकते हैं, जिसके बगैर ना आप बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, जिसके बगैर ये सिर्फ खुदा से हो सकता है। क्यों? उसने कहा क्योंकि हम कमजोर हैं। जब खुदा का रूह हम में होगा, जब हमारे अंदर एक ताकत होगी, बीमारी भी जाती रहेगी, कमजोरी भी जाती रहेगी, माल और दौलत की कमी भी जाती रहेगी, और बहुत सारी दुनिया में जो चीजें जिनसे हम मुश्किल में है वो सब जाती रहेगी। अच्छे छुट्टी आएंगे जरा बाजे पर, जरा कोर्स बताए।